गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि आज बारिश ने घर बिठा दिया है। शनिवार का दिन है आज। बहुत अच्छा सुंदरकांड का कार्यक्रम करना था हमें मंदिर पर, लेकिन वो हो गया है कैंसिल अभी के लिए, तो क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। मैं दिखाता हूँ आपको कितना हो रहा है। तो देख सकते हो भाई क्या पानी आ रहा है, और थोड़ी दूर पर ही रह गया है अब घर से, थोड़ी दूर पर ही रह गया है पानी। बस ईश्वर करे कि पानी जो है वो ज़्यादा नहीं आए। वही तो, पानी कहाँ तक पहुँच गया है देखो, उधर तो घरों में घुस गया है, वहाँ सामने तो देखो घरों में घुस गया है पानी, बाप रे बाप। और ये देखो कितना बारिश जो है कितना तगड़ा हो रहा है कि यहाँ तक पानी भर गया है। हाँ तो भाई आज जो है बरसात हो रही है और हम खा रहे हैं पकौड़े जो मैडम ने बनाए हैं, और आज बिल्कुल हम काटेंगे फुर्सत पूरी तरीके से। ऐसे कभी नहीं देखा होगा मुझे किसी ने, लेकिन आज करें क्या, सारे काम जो है फेल कर दिए हैं बरसात ने। ठीक है, इट इज़ ओके, पकौड़े इंजॉय कर रहे हैं। तो भैया पार्टी तो हो गई ख़त्म, अब चलते हैं ऑफिस में, यानी कि बाजू में स्टूडियो है। वहाँ कुछ पानी गिर रहा था, रात भर से पानी आ रहा है क्योंकि इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे को टेंशन था, क्योंकि अभी पीओपी हुई है। दिखाता हूँ तुमको क्या हाल है। क्या हुआ शीजू? हाय। चलो दो मिनट खड़े। बहुत क्या चल रहा है खुशबू? देखो खुशबू नहीं, बढ़िया आलू के भजिए बनाए बहुत शानदार। अभी भिंडी का क्या चल रहा है? भिंडी बनेगी आज? अरे यार मेरे तो कुछ और बनता है क्योंकि मुझे भिंडी पसंद नहीं है। और ये अभी भजिए बने थे। देखो यार घर की हालत क्या स्थिति है, अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि सुबह से जो है छत टपक रही है, और ये इस तरीके से हालत रखनी पड़ रही है। अब जैसे ही बारिश हुएगी सबसे पहले तो ये छत का काम कम्प्लीट करूँगा मैं। तो अब जो है पानी थोड़ा बंद हुआ है, और हालत देख सकते हो थोड़ा पानी कम भी हुआ है। अभी भी गाड़ियाँ पानी के अंदर से ही जा रही है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और माहौल तो आज ख़राब है ही, तुम पता कर सकते हो। इधर भी पानी जो है पूरा भरा हुआ है। अब चलते हैं स्टूडियो में, देखते हैं क्या हाल है। तो ये देखो अभी क्या हो रहा है, काम चालू है ना, तो इस वजह से पूरा फैला हुआ है काम यहाँ पे। यहाँ से भी पानी बहुत ज़्यादा आता है, मुझे ये ठीक करवाना होगा, बाकी इधर तो पानी नहीं आता है। चलो देखते हैं स्टूडियो का क्या हाल है। तो सुबह सुबह मुझे कुछ पानी का दिक्कत दे रहा था, शायद मैं यहाँ पर अभी चढ़ के देखता हूँ कि पानी आ तो नहीं रहा है। दो जगह पर मैंने रोक के रखा हुआ था किसी तरीके से कि पानी टपके ना। और ये देख सकते हो कल भी मैंने दिखाया था ये काम, अब बिजली फिटिंग का है। जब तक कि ये सूखेगा नहीं तब तक बिजली फिटिंग का काम नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है ऊपर की, यहाँ पर जहाँ कपड़ा देख रहे हो यहाँ ऊपर से पानी गिर रहा था थोड़ा सा, जिस वजह से मुझे टेंशन हो रही थी, और इस वजह से जो है मैंने यहाँ पर कपड़ा रखा था। साथ ही साथ यहाँ पर भी देख सकते हो ऊपर से पानी गिर रहा था, इसलिए मैंने ये कपड़ा रखा था। और ये ऊपर चढ़ा हूँ मैं, ऊपर से ये पीओपी ऐसी दिख रही है, पूरा कंप्लीट कर दिया, पैक कर दिया है। पानी गिरना नहीं चाहिए क्योंकि क्या होता है पीओपी के लिए पानी बहुत टेंशन की चीज़ रहती है। भजन गा रहे हो? गा लो भजन, गा लो। चलो भजन भी गाओ और ताली बजाओ। बेटा कौन सी भाषा में भजन गा रहे हो?
अच्छे से गाओ जरा भजन। तो अभी मैं आ गया हूँ इंस्टीट्यूट के पास में। चलते चलते स्पीड अच्छी हो तो 10-15 मिनट में अच्छा सफ़र तय हो जाता है, और इसीलिए अभी फ़िलहाल तो मैं आ चुका हूँ इंस्टीट्यूट। सामने यदि दिख नहीं रहा होगा अभी अंधेरे में, ये रहा इंस्टीट्यूट। ओके, तो अभी तो मैं इंस्टीट्यूट पर आ चुका हूँ, यानी इंस्टीट्यूट के पास आ गया हूँ। अब कुछ श्रीजा और शिवी के लिए भी कुछ खाना लेना है, कुछ लेना है जिसकी वजह से, जिसको कहना चाहिए, यानी कि कुछ खाने के लिए लेना है। तो मैं थोड़ा एक दुकान पर और रुकूँगा। तो अभी छतरी पकड़ के खड़ा हूँ और थोड़े से बिस्किट ले लिए, क्योंकि सुबह सुबह जब निकलता हूँ इंस्टीट्यूट के लिए तो फिर खाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो भाई अभी मैं घूम रहा हूँ मार्केट में। आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी इसलिए मैं पैदल पैदल ही घूमने के लिए निकल गया। देख सकते हो अभी ये सराफा बाज़ार में हूँ मैं, और पूरा मार्केट अभी तो बंद है। ऑब्वियसली वैसे रात हो गई है, लेकिन आज मार्केट खुला ही नहीं, शनिवार का दिन है। और अभी मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल घर की तरफ। कहाँ गया था, थोड़ा सा टहलने के लिए निकला था, कुछ मंदिर वंदिर दर्शन कर लिए, और अब जा रहा हूँ पैदल पैदल। कुछ दुकानें खुली हुई हैं और जो ज़रूरत का सामान है वही सिर्फ खुली हुई है, बाकी तो आज पूरा जो मार्केट था वो बंद था। करीब 2-2.5 किलोमीटर की वॉक तो अभी एक तरफ से हो गई है, वापस भी जा रहा हूँ तो हो जाएगी कम से कम 5-6 किलोमीटर की वॉक हो जाएगी। आज वैसे भी दिन भर घर में परेशान रहा मैं, तो आज स्ट्रीट लाइट भी बंद है। और अब मैं जा रहा हूँ घर, इंस्टीट्यूट के करीब ही था अभी मैं, थोड़ा बहुत सामान ले लिया, अब निकलते हैं घर। तो आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। चुप रहे जरा, बोलने दे मेरे को। तो आज के चुप रहे चुप जब मैं बोलूँ। तो आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, करें, शेयर तो सभी करते। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय करो, बाय करो, बाय।